गुड मॉर्निंग गाइस, डे 18 में आप सभी का स्वागत है। और आज वर्कआउट के लिए आ चुका हूँ कन्हहरी हिल। तो बस पहुँचने ही वाला हूँ कन्हहरी हिल, और आज का जो वर्कआउट होगा वो होगा कन्हहरी हिल के पास। तो मिलते हैं बहुत जल्द कन्हहरी हिल के पास। तो गाइस, आज का जो रनिंग होगा वो रोड पे होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला, क्योंकि आज कन्हहरी हिल आ गए हैं और एट फर्स्ट अभी धूप भी आ गया है। हाँ गाइस, तो रनिंग कंप्लीट और ना अब करेंगे थोड़ा वार्म अप रेस्ट और उसके बाद क्लाइंबिंग और कन्हहरी हिल पे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। गाइस, तो चैलेंज के हिसाब से फिर इस संडे आते हैं कन्हहरी हिल, और आज का जो वर्कआउट होगा वो टॉप पे होगा। आज का जो वर्कआउट था वो कंप्लीट, और थोड़ा घूम लेते हैं इधर और उसके बाद करेंगे मेडिटेशन। तो मिलते हैं मेडिटेशन के टाइम, तब तक के लिए बने रहिए।
गाइस, आज को जो वर्कआउट था कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ वार्म अप रेस्ट भी ले चुके हैं और काफी सारा एंजॉय और काफी सारा व्यू यहाँ पे क्रिएट किए। जो कनेरी हिल का जो खूबसूरत सा व्यू था वो काफी अमेजिंग आपको लगेगा। और अब करते हैं मेडिटेशन, एक खूबसूरत सा जगह ढूंढते हैं और वहां पे करते हैं मेडिटेशन। तब तक के लिए बने रहें मिस्टर डी के इंडियन ब्लॉगर के साथ। और हमको सभी हजारीबाग के जितने भी लोग हैं जो कन्हारी हिल पे घूमने आते हैं, वर्कआउट करने आते हैं और इधर ढेर सारे एंजॉय करने आते हैं, उनसे आग्रह है कि इतना ज्यादा कचरा आप लेके आते हो बट साथ लेके नीचे जाते नहीं हो और ढेर सारा कचरा इधर आप लोग फैलाते हो, तो बस आपसे कहना है कि जो कचरा, जो प्लास्टिक बोतल है और कुरकुरे का पैकेट है वो लेके आए बट यहाँ पे कचरा ना फैलाएं ब्रो। और जो भी लोग हैं वो कचरा कम से कम कन्हारी हिल को साफ रखें, क्योंकि हमारा नेचर हमेशा हमें कुछ देता है तो हमें भी नेचर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसीलिए आप से अनुरोध है विशेषकर उनसे जो प्लास्टिक बोतल और कुरकुरे के पैकेट लेके आते हैं वो कम से कम लेके आए बट यहाँ से वापस लेके जाए भी, यहाँ पे गंदा मत करें क्योंकि ये हमारा कन्हारी हिल है और इसे हमें ही साफ रखना है। तो कहना है हमारे YouTube चैनल मिस्टर डी के इंडियन ब्लॉगर को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार साइड वाले बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारा जो वर्कआउट वीडियो है और जो ब्लॉगिंग वीडियो है वो आपको मिलता रहे और इसी तरह हर एक नई जगह को एक्सप्लोर करते रहेंगे। हम पुराने जगह भी एक्सप्लोर करेंगे, बीच बीच में जो नया होता है, कुछ बनता है और कुछ बिगड़ते रहता है, तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो गाइस, दिस इज अ पूजा टाइम, वेलकम गाइस। तो आज का स्टडी बुक रीडिंग में झारखंड की नीतियों के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें सबसे पहले मैंने स्थानीय नीति के बारे में पढ़ा। 2016 में झारखंड में स्थानीय नीति आई थी और तब से स्थानीय लोगों को कुछ खास मदद हुआ नहीं है, पर कोई नहीं, ठीक है, नीति है सभी की। उसके बाद और जो प्रमुख नीतियां हैं इसके बारे में पढ़ा, जैसे सेवा का अधिकारी अधिनियम 2011, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2015, झारखंड क्रय नीति 2014, झारखंड राज्य पर्यटन नीति 2015, झारखंड राज्य की खाद्य संपदा नीति 2015, झारखंड राज्य की निर्यात नीति 2015, झारखंड फिल्म नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, झारखंड ऑटोमोबाइल नीति 2015, झारखंड सिंगल
नीति 2015 झारखंड खाद्य संपदा उद्योग नीति 2015 झारखंड 4% उद्योग नीति 2015 झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2015 झारखंड निषेध नीति 2016 झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 झारखंड वस्त्र परिसर नीति 2016 झारखंड किफायती आवास नीति 2016 इन सब के बारे में पढ़ा और काफ़ी अच्छा अच्छा जानकारी मिली और पढ़ने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और इसे और क्या और पढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। गुड इवनिंग गाइस, डे 18 का इवनिंग वर्कआउट के लिए हम लोग निकल चुके हैं और अभी कोलंबस ग्राउंड चल रहे हैं और आज कोलंबस ग्राउंड में इवनिंग वर्कआउट करते हैं लेडीज भी आगे आप भी, तो नाम मिलते हैं कोलंबस ग्राउंड में जाने के बाद। गाइस तो रनिंग कंप्लीट हो चुका है और बादल के कारण पूरा अंधेरा छा गया है, तो अभी करते हैं वर्कआउट।